गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीवीआर स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन सुबह 7 बजे से अब आपको करंट अफेयर की क्लास मिलने लगी है और 15 अगस्त के बाद ये क्लास बिल्कुल रेगुलर हो चुकी है। तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर अवश्य देखें। आपकी जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ ही दिन के पुराने होते हैं, मतलब 3 से 6 महीने के पुराने, उससे ज़्यादा बहुत पुराने, या फिर बहुत नई घटनाएं पेपर में नहीं आती हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है उनके क्वेश्चन पेपर परीक्षा के काफ़ी पहले बन जाते हैं, 3 से 5 6 महीने पहले। तो ये मान के चलिए कि 3 महीने से पुराने करंट अफेयर लगभग में होने चाहिए। कुछ परीक्षाएं होती हैं जिसमें हाल की घटनाएं आती हैं, लेकिन अक्सर में 3 से पुराने होने चाहिए, 3 महीने से। चलिए देखते हैं, किस क्रिकेटर यानी कि भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनका विस्तृत उत्तर आपके सामने है, इसको देख लीजिए। हाल ही में क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाज में से एक सचिन तेंदुलकर को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब आप बताइएगा, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो अभी आपको दिखाएंगे। रंग कला के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बिना ऑप्शन के, जल्दी करें। ये कुछ क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं पिछले, तो उनका नाम है जाकिर हुसैन। जी हाँ, आपने सही सुना, जाकिर हुसैन। सोनल मानसिंह, जतिन गोस्वामी तथा के कल्याण सुंदरम पिल्लई रंगकला के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अथवा अकादमी रत्न अवार्ड के लिए तबला वादक जाकिर हुसैन, नृत्यांगना सोनल मानसिंह, कोरियोग्राफर जतिन गोस्वामी तथा भरतनाट्यम है, मतलब इन सभी को इस सम्मान के लिए हकदार माना गया है, जिसमें से सब अलग अलग काम के लिए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सोनल मानसिंह, जतिन गोस्वामी तथा के कल्याण सुंदरम पिल्लई रंगकला के क्षेत्र में, इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अथवा अकादमी रत्न अवार्ड के लिए तबला वादक जाकिर हुसैन, नृत्यांगना सोनल मानसिंह, कोरियोग्राफर जतिन गोस्वामी तथा भरतनाट्यम है, इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को मेलबोर्न की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डायरेक्टर से सम्मानित किया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नेता अभिनेता से संबंधित है। तो वो नेता अभिनेता आपके कौन है, उनको मतलब समझ लीजिए, शाहरुख खान। लाखों युवा दिलों की पसंद शाहरुख खान। शाहरुख खान को 9 अगस्त को मेलबोर्न की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की जाएगी। उन्हें यह उपाधि वंचित वर्ग के बच्चों के उत्थान तथा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों के लिए मिलेगी। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताओ, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली परीक्षा में। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? हो गया सभी का कमेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो आपके सामने आ रहा है, रीवा। MP के रीवा जिले में स्थित एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को भारी वर्षा के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। लगातार भारी वर्षा के कारण कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी घटित हुई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय भारोत्तोलक ने एशिया में 2019 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, उनका नाम है अजय सिंह। भारत के भारोत्तोलक अजय सिंह ने एशिया में 2019 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उभरती हुई नई तकनीकों के लिए प्रसार भारती ने किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? जल्दी से बताइए, उभरती हुई तकनीकों के लिए प्रसार भारती ने किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? MOU, कमेंट करके बताओ, जल्दी से देर नहीं करना। करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे से देखना ना भूलना। इसके अलावा आपकी 0 लेवल की जो क्लास है सुबह 5 बजे से होती है, तो ये क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। सुबह 6 बजे से आप देख पाएंगे आपका पॉलिटिक्स, जिसमें आप देख रहे हैं इस समय,
आपकी राज्यसभा लोकसभा है ना, तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सारी क्लासें आपकी होंगी, वो भी जल्दी ही। मित्रों, उभरती हुई तकनीकी के लिए प्रसार भारती ने जिस IIT के साथ हस्ताक्षर किए हैं MOU पर, उसका नाम है IIT कानपुर। आप जानते हैं कि भारत में जो IIT कॉलेज हैं वो मात्र 7 के आसपास हैं। प्रसार भारती ने उभरती हुई तकनीकी के लिए प्रसार भारती ने जो कॉलेज चुना है वो है IIT कॉलेज कानपुर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 30वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय स्पिनर कौन है? जल्दी से बताओ तुरंत। 30वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक कौन जीता? तो मित्रों, उनका नाम है दुती चंद। दुती चंद को याद रखिएगा, भारतीय धाविका यानी कि दौड़ करने वाली दुती चंद ने 30वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर डैश इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, किस राज्य ने सावीज नामक ब्रांड से बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य स्टेट है जिसने सावीज नामक ब्रांड से बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपके सामने ही आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सहकारी बीज संघ ने सा बीज नामक ब्रांड के अंतर्गत बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। किस भारतीय भारोत्तोलक ने एशिया 2019 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 81 किलोग्राम भारत में स्वर्ण पदक हासिल किया? इनका नाम आपने देख लिया, अजय सिंह। और अगर आगे चलते हैं तो हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्रैगन फ्लाई मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो उसका नाम है नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा, माफ़ करिएगा, शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, चंद्रमा नहीं उपग्रह, टाइटन पर जीवन की खोज के लिए ड्रैगन फ्लाई ड्रोन हेलीकॉप्टर को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है, केंद्र सरकार ने कौन सा जल संरक्षण अभियान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ तुरंत। हो गया सभी का कमेंट, तो मैं आपको बता देता हूँ, केंद्र सरकार ने जो अभी हल्दी में यानी कि बहुत जल्दी ही जल संरक्षण अभियान लॉन्च किया, उसका नाम है जल शक्ति अभियान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में जल शक्ति अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। IES तथा JE रोग के लिए किस राज्य सरकार ने दस्तक अभियान लॉन्च किया है? जल्दी से बताओ तुरंत। हो गए सभी के जवाब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्यूट एन्फेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES तथा जापानी एन्फेसेलेटिक्स यानी कि JE रोग के लिए दस्तक अभियान की लॉन्च किया है, जिसे आप पूरा एक साथ में पढ़ सकते हैं, एन्सेफेलाइटिस। क्या पढ़ेंगे? एन्सेफेलाइटिस। इस अभियान को यूनिसेफ की सहायता से लॉन्च किया गया है। वीर चित्रानी किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हैं स्क्वाश से। भारत के वीर चित्रानी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप में हपोतन यश फर्ते को अंडर-19 में खिताब पराजित किया। उनके अंतरिक्ष भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 रजत तथा 3 कांस्य पदक भी जीता। हाल ही में वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध शिकायत के लिए किस संस्था ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया? जल्दी से बताइए तुरंत। अभी हाल ही में वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध शिकायत के लिए कौन सा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? किस संस्था ने किया है? उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। तो मित्रों, इस तरह से आज का करंट अफेयर यहीं पर ख़त्म होता है। PVR स्टडी इलाहाबाद को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर देखें सुबह 7 बजे से। हम आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन